वो यहीं काम करता है। आइए सर, आपको क्या चाहिए? तू कौन है वे? मैं यहाँ काम करता हूँ। नौकर है? अरे रे पीटर, हाँ। पीटर आ जाओ आ जाओ, अपना ही आदमी है। चाय पियोगे ना पीटर? हाँ पियूंगा। ए मनी, ए उसको लाने के लिए कहो। उसके लिए दूसरा आदमी है। ए मनी, ए तू भी तो नौकर है ना, जा ले आ। देखो पीटर, सुनिए अभी लेकर आता हूँ। ये कह रहे तेरे आदमी तेरे से सवाल जवाब करते हैं? जाने तो, नया लड़का है, उसे पता नहीं है तुम कौन हो। समझा देना, औकात में रहे। ये लीजिए चाय। लाने में इतनी देर लगती है क्या? अबे ये कोई चाय है? चाय लाना भी नहीं आती तुमको? इतनी खराब और ठंडी चाय पिलाएगा मुझे? सही कहा, चाय गरम नहीं है और स्वाद भी नहीं है। क्या कहा? चाय गरम भी नहीं है और शक्कर भी नहीं है। अगली बार ऐसी चाय नहीं आनी चाहिए। ए चलो रे। तुझे हो क्या गया भैया, कुछ ऐसे ही जाने दिया तुम्हें? जाने दे यार, मैंने सुना है चाय से मुंह धोने से गोरे होते हैं, आज गोरा होने का मौका मिल गया। एक बार कह दे, उसका कलेजा फाड़ के भूसा नहीं भर दिया तो मेरा नाम नहीं। तू सब कुछ जानता है ना, हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए, काम सीखने आए। काम सीखने के लिए हमें चुपचाप रहना पड़ेगा। तू कब से इतना सीधा और समझदार हो गया भैया? हम लोग डरने वालों में से नहीं है, लड़के जवाब देने वालों में से है। ए तू फोन लगा गांव में, फोन लगा गांव में। फिर क्यों मारा मुझे? प्यार से समझता नहीं है ना, इसलिए मारना पड़ता है। तो इनको जानता है क्या, कौन है ये लोग? अंबुराज का आदमी है, इसी कॉलेज में है। इसके लोग कैंटीन चलाते हैं, ये भी इसी कॉलेज का पुराना स्टूडेंट है। अरे ये क्या, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी मांगी थी, ये क्या तुम दिया? ए, क्या बात कर रहा है रे भाई? ये देखो ऊंची आवाज में बात कर रहा है। ऊंची आवाज में बात कर रहा है? कौन है तू? किसने भेजा? बोल, सुनिए तो। ऊंची आवाज में बात करेगा? मेरी बात सुनिए गुंडे। बहुत गर्म खून है तेरा, अभी ठंडा कर दूंगा। सुनिए जी, यहाँ से चलिए। चलिए जोसेफ कॉलेज आ गया, उतरिए। हाय राधिका, तुम्हें दो दिन से मैंने देखा ही नहीं है। मेरा नाम राधिका जरूर है, हाँ। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं शिवगंगा के अशोक विद्यालय की राधिका हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। रे 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 रे, पूरा का पूरा बायोडाटा बता दिया। मैं यहाँ झारखंड से पढ़ने के लिए आई हूँ। रुको, अच्छी तरह से याद करो, बचपन में तुम ब्लेड से पेंसिल छील रही थी, उसी ब्लेड से तुम्हारा पैर कट गया। मैंने पन्ना फाड़ कर थूक लगा के तुम्हारे पैर पे चिपकाया था। फिर एक हफ्ता बीत गया, उसके बाद जाकर तुम्हारा घाव भरा, आज भी उसका निशान है। यकीन ना आए तो अभी इसी वक्त पैर पे देख लो। ये क्या है, तुम बीच सड़क पर खड़े होकर कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? सॉरी, घर पे जाके आराम से देखना। हे श्रवण, तुम यहाँ कैसे? जयंती, तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ। अच्छा, ये राधिका, तुम अब भी श्रवण से मिलती हो? पेन फ्रेंड, मेल फ्रेंड हो या सेल्फ फ्रेंड, है ना? क्या तू भी ना, मैं से नहीं जानती। तुम श्रवण को नहीं जानती? अरे ये हमारा स्कूल फ्रेंड है। ब्लेड पेपर थूक लगाकर चिपकाया था, भूल गई? कब से कह रहा हूँ कि तुम वही राधिका हो, लेकिन ये कहती है ये राधिका नहीं है, ये तो किसी शिवगंगा गांव की नहीं है, किसी और गांव की है, अचानक भोजपुरी बोलने लगती है। जब से तू एनसीसी कैंप से वापस आई है तो भोजपुरी बोलने लगी। मंजू तो भोजपुरी है, जब हम अकेले होते हैं तो भोजपुरी में बातें करते हैं। बस कर तू, चल यहाँ से। जयंती, तुम्हारा मोबाइल नंबर? 9952422904। और राधिका का? ओ, एक नंबर का ही चेंज है, 905। तूने मेरा नंबर क्यों दिया? सॉरी यार, इसका नंबर डिलीट कर देना। डिलीट मोबाइल से करूंगा, लेकिन दिल से। भैया यहाँ क्या कर रहा है? शिवगंगा कितनी बसें जाती हैं वो सब गिन रहा हूँ। जाने दो भैया, हम दूसरे धर्म के, वो दूसरे धर्म की है, हमें अपने धर्म की कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। दूसरे के धर्म की भलाई के लिए हमने बहुत काम कर लिया, हमें अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हाथ पैर टूटे रहेंगे तो कोई इज्जत थोड़ी देगा। और सोचो अगर मालिक को इस बात का पता चल गया तो मेरी नाक से तो खून बहने लगेगा। कोई बात नहीं, वो खून पोंछ दूंगा। इसका मतलब है मुझे मरवाने का पूरा प्लान है। क्यों श्रवण, हम लोगों को ब्रांडी पिला रहे हो और तुम खुद बियर पी रहे हो? बोलो। तुम लोग मस्ती के लिए शराब पीते हो और हाँ? मैं तो डाइट के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से डाइट होती है क्या? बोलो। जैसे मोटे लोग रोटी चपाती खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही अच्छा? पतले लोग बियर पीकर मोटा होने के लिए डाइट करते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बीच में फोन किसे कर रहे हो? राधिका को लव मैसेज भेज रहा हूँ। 2 दिन हुए नहीं लड़की को देखे और लव हो गया? ये 10 साल पुराना पपी लव है, चिकन लव, कॉफी लव। क्या कहा, कॉफी लव मतलब? अरे भाई, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो कुछ कुछ होता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में कुछ कुछ होता है लेकिन समझ में नहीं आता।
अरे बाप रे, मालिक का फोन। वहाँ जाके बात कर। वहाँ वहाँ जा। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? सब मिलकर पानी मिलाकर। मैं समझा नहीं। वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए 4 बोतल पानी लाकर हम सब लोग नहा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब है कि हम लोग पी रहे हैं। पीने से पहले अच्छी तरह उबाल लेना। सही का मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग तो एकदम गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। मेरा बेटा अच्छी तरह खाना तो खा रहा है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, आजकल आपका बेटा डाइट मेंटेन कर रहा है। कैसी डाइट? बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहा है वो। ऐसी बात है, अगर दवा अच्छी हो तो यहाँ भी 10 पैकेट भेजने के लिए बोलो, उसकी माँ को भी दे दूंगा। वो दवा पैकेट में नहीं बोतल में आती है मालिक, कुरियर से भेजेंगे तो वो लोग उसे तोड़ देंगे। जब मैं आऊँगा ना तो अपने साथ लेता आऊँगा। ठीक है, श्रवण को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आने वाली बे? पिताजी। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टाइम मिले तो जाके पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट ले आना। ठीक है पिताजी। जयंती, कल मैंने तुझे जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तूने श्रवण को भेज दिया। हाँ तो पता है क्या हुआ? उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। ठीक है, तुम्हारे पैर पे निशान है ऐसा बोला था, देखा क्या तुमने? हाँ देखा। क्यों देखा? मेरा निशान मैं क्यों ना देखूं? वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले कितनी बार देखा है? कभी कभी देखती थी। उसके कहते ही तुमने देख लिया ना? हाँ। तो फिर हम कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो तो हम हर समय आईने के सामने निहारते रहते हैं, तब पागलपन छाने लगता है, उससे प्यार होने लगता है और उसे बताना चाहती हो लेकिन परेशानी शुरू हो जाती है और उसे देखे बगैर हम रह नहीं पाते हैं और फिर उसके बाद सुसाइड करने की नौबत आ जाती और फिर टेंशन बढ़ने लगती है। मेरी माँ, मुझे श्राप मत दे। कॉलेज आ गया, चलो उतरो। राधिका कैसी हो? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक पूछोगी तो क्या मांगूंगा, है ना? सही कहा ना जयंती, कल रात को मेरे मोबाइल पर फालतू के मैसेज भेजते रहे, इतने मैसेज करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें इस बात की परमिशन किसने दी? किससे परमिशन लेनी है? तुम्हारे पिताजी से, माँ से, प्रोफेसर से? ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, सिकरी में या शिवगंगा में? उनका नंबर दो। ए, बेकार में उसके पिताजी के बारे में पूछ लिया। मैंने उसके पिताजी का अपमान कर दिया क्या? अरे उसके पिताजी नहीं है, बचपन में ही गुजर गए हैं, उनकी याद ना आए इसलिए वो अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। सॉरी कह दूंगा, तुम मेरे लव के बारे में उससे बात करना तो। देखो तुम भी मेरे फ्रेंड हो, वो भी मेरी फ्रेंड है, अगर तुम कहोगे उसे पूछने के लिए और अगर उसने इनकार कर दिया फिर तुम कहोगे उससे पूछो, इससे अच्छा है तुम खुद ही बात कर लो। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगा, बस एक काम करना, शाम को गीतांजलि रेस्टोरेंट में आने के लिए कहना, उससे बात कर लूंगा, फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। भैया ये बात मालिक को बताना है कि नहीं बताना, यही सोच रहा हूँ। जासूसी कर रहा है क्या? सुधरेगा नहीं। किसी घर में बाप रफ होता है तो बेटा सॉफ्ट होता है, किसी का बेटा रफ होता है तो बाप सॉफ्ट होता है। तुम्हारे घर में तो दोनों ही रफ हो, मैं तो तुम दोनों के चक्कर में फंस के पिस गया हूँ यार। एक काम कर, पहाड़ पे जा, भगवान से प्रार्थना कर, वहाँ से कूद जा, सब ठीक हो जाएगा। इतना भी पागल थोड़ी हूँ बे। ज्योति लेकिन ये बता कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? राधिका वो ये बताना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना। मैं तेरी बात नहीं समझी। सिंपल सी बात है, तुझे समझ में नहीं आती? देख राधिका, मना करने से वो नहीं मानेगा, तू अच्छी तरह से उसे समझाएगी तो समझ जाएगा, हम उसे बचपन से जानते हैं, तू जानती है ना, तो फिर घबराती क्यों है? साफ साफ जाकर बता दे, सब ठीक हो जाएगा। आइए सर, आइए, आप लोग अंदर चले जाइए। इतनी परेशान क्यों हो? आराम से बैठो, तुम्हारे पिताजी के बारे में बोला उसके लिए सॉरी। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या बात है? बचपन में 8वीं क्लास से ही तुमको लव करता हूँ, पर कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा था तो MD कहेगा तुम्हारी परेशानी है। चलो बैठो। एक दिन तुम स्कूल नहीं आई, मैंने पूरा स्कूल ढूंढा, सबको तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को पता नहीं था, फिर पढ़ाई के टेंशन में सब भूल गया और जब तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया। बस में एक नजर देखा तो पहचान लिया कि तुम राधिका हो। मैं बस यही कहना चाहता हूं। तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रही है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। प्यार के नाम पर बाइक्स पर घूमना, सिनेमा देखना, गार्डन में हाथों में हाथ डालकर घूमना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ओके? मैं जो भी कह रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को दिमाग से निकालो। ए, अकल नहीं है क्या? दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसे झांक रहे हो? मामा जी।
मामा जी। मामा जी मामा जी आप मुझसे बात कीजिए, इस तरह चुप मत रहिए आप, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है ना, तो उसके साथ अकेले होटल तक क्यों गए? विश्वास कीजिए मामी जी, मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो जैसे चाहो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। हमारे इस पवित्र भारत देश में ये चड्डी पहन के घूम रही है, अभी बताता हूँ। रुक जा, रुक जा। बाथरूम से नहाकर बिना कपड़ा पहने यहाँ धूप में कपड़ा सुखाने के लिए आई है क्या? इन्ना पेसरे? अच्छा अच्छा, बाहर की हो तभी तो मैं बोलूँ। हमारे यहाँ की लड़कियाँ तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। तुम लोग यहाँ के ऐसे कपड़े पहन के हमारे यहाँ की लड़कियों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? Don't talk too much. थ्री मत भी बोलूंगा बे। ऐसे कपड़े पहन रही है, जांग दिख रही है, टांग दिख रही है, मटक मटक के चल रही है, हमारे को सबको बर्बाद करना चाहती है। लड़कियों से क्या बदतमीजी कर रहा है? ए मैडम, इन लोगों को देखो, आधी नंगी लड़कियां घूम रही है और आप मुझे डांट रही हो। ज्यादा बात करेगा तो तुझे ईव टीजिंग, दहेज उत्पीड़न, सास उत्पीड़न, भाई उत्पीड़न, साला उत्पीड़न, ससुर उत्पीड़न, लड़की उत्पीड़न, लड़की छेड़ना, पुलिस को तंग करना, पब्लिक जमा करना, ये सब मामले में तेरे को अंदर कर। मैडम, औरतों को बचाने के लिए तो आपने इतने सारे कानून बता दिए, मर्दों को बचाने के लिए एक भी नहीं है? एक भी नहीं है तो मुझे ये कमीज भी नहीं चाहिए, मुझे लुंगी भी नहीं चाहिए, और एफबीआईपी की अंडरवियर भी मैं आज के बाद नहीं पहनूंगा। सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो माँ के साथ एक हफ्ता रह कर आऊंगी मैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? मेरे मामा जी ने मुझे गलत समझा। इतने सालों से जिस मामी जी ने मुझे माँ की तरह रखा, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बस यही कहने आया था कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार बस में देखा तो पूछा कि क्या तुम राधिका हो, अगर उस दिन हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें हाय कह के चला जाता, तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा, शायद मुझसे गलती हो गई। बाइक पर घूमना, सिनेमा जाना, गार्डन में जाकर बैठना, इस तरह के प्यार के बारे में मैं भी बिल्कुल नहीं जानता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद तुमसे बस 2 मिनट के लिए मिलूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ठीक है, वरना अपनी किस्मत समझकर चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। मेरी भी एक बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो।